बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। अगर इंग्लिश स्पीक करना हो या उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी हो, बास सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी ट्रांसलेशन या स्पीकिंग बहुत टफ हो जाती है, लेकिन अगर हम उन्हें उर्दू से इंग्लिश करें तो ये इंतहाई आसान वर्डिंग होती है, लेकिन इलम ना होने की वजह से हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। मसलन, मेरे हाथ धुला दो, बाज़ लोग कर सकते हैं वॉश माई हैंड, लेकिन ये रॉन्ग होगा। इससे मुराद होगा मेरे हाथ धो दो, मेरे हाथ धुला दो, हेल्प मी वॉश माई हैंड्स। सेंटेंस नंबर टू, नलका खोल दो, टर्न ऑन द टैप। थ्री, नलका बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। नेक्स्ट सेंटेंस, बिजली जला दो, स्विच ऑन द लाइट। यहाँ हमने नलका बंद कर दो या खोल दो की जगह पर टर्न यूज़ किया है, और बिजली बंद करना या चलाना उसके लिए हम स्विच यूज़ करते हैं। बिजली जला दो, स्विच ऑन द लाइट। बिजली का पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। नेक्स्ट सेंटेंस, बाएं हाथ चलो, कीप टू द लेफ्ट। अकल की बात करो, टॉक सेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, कम से कम सामान के साथ सफ़र करो, ट्रैवल लाइट। सेंटेंस नंबर 9, अपने कोट के बटन बंद कर दो, बटन अप योर कोट। लास्ट सेंटेंस, सुई में धागा डाल दो, थ्रेड द नीडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।